दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम अपने देवर से शादी कर लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी आपके मम्मी पापा आ गए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं। नीरज ने अपनी भाभी स्वाति के हाथ से बैग लिया और वहां से चला गया। गोद में 8 महीने की पाखी को उठाए स्वाति सलने लगी तो सामने पति की तस्वीर देख रुक गई, खो गई उन मीठी यादों में जो अभी कुछ दिन पहले तक जीवित थी। समय ही कितना हुआ था ससुराल में आए। 2 साल पहले पंकज की दुल्हन बन आई थी, 1 साल बाद ही पाखी का जन्म हो गया। उस रात पाखी ने 6 महीने पूरे किए थे। स्वाति के पति पंकज, सास उषा जी और देवर नीरज सब लोग बहुत खुश थे। पंकज उसके लिए केक लाए थे कि तभी पंकज के फोन पर किसी का फोन आया, किसी के घर की बिजली चली गई थी। पंकज बिजली ठीक करने का काम करता था, सबने जाने से मना किया, वो नहीं माना, कहने लगा मैं बस गया और आया, काम को मना नहीं करते, ग्राहक टूट जाता है। उस रात पंकज वापिस तो आया पर अपनी जिंदगी की जंग उन तारों से हार आया, सब कुछ बिखर गया। वक्त ही कुछ ऐसा था, स्वाति और पाखी का भविष्य सबके लिए सवाल बन चुका था। स्वाति पंकज की यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसके माता पिता ने फैसला लिया और आज वह स्वाति को वापस लेने के लिए आए हैं। वो चाहती है कि स्वाति दूसरी शादी कर ले। वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बस अपने माता पिता की जिद के आगे झुक अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। स्वाति ने निशे पहुँच अपनी सास से जाने की इजाजत मांगी, हाथ जोड़ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उषा जी उसे जाते देख बिलख पड़ी, अपने आप को रोक नहीं पाई, स्वाति को आवाज लगा दी, बहू मत जा, पाकी तो पंकज की आखिरी निशानी है। नीरज ने अपनी माँ को संभाला, स्वाति ने भी रोते हुए पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, तू यहीं रह जा बहू, नीरज से शादी कर ले। इतनी बड़ी बात उन्होंने इतनी आसानी से कह दी, देवर से शादी, ऐसा तो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। भगवान जी कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो, जिंदगी को ऐसे दुराई पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं के जाऊंगी तो माँ दूसरी शादी कराने की बात कहेगी, यहाँ रहती हूँ तो सास नीरज से शादी करवाना चाहती है, क्या करूँ, पंकज आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। स्वाति की माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उषा जी ने मुझसे भी इस बारे में बात की थी, मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई तुझसे कुछ कहने की, हम सब बस तुझे इस तरह से नहीं देखना चाहते। स्वाति ने रोते हुए कहा, माँ क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। नीरज ने कहा, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप यहाँ से चले जाइएगा। माँ और सासू माँ के कहने पर स्वाति नीरज से बात करने को तैयार हो गई। नीरज ने उसकी गोद से पाखी को लिया और स्वाति उसके पीछे पीछे चल दी। भाभी आप जानती हैं, जब माँ ने मुझसे इस बारे में बात की थी तो मैं भी कई सवालों की
बीच में आ खड़ा हुआ था। माँ को मना किया था कि वह आपसे इस बारे में बात नहीं करे, पर आपका जाना वो सहन नहीं कर पा रही थी। शायद भाभी आप जानती हैं, जब मैं छोटा था तो भैया मुझे हर डांट से बसाते थे, मेरी पसंद की हर चीज लेकर आते थे। जब आपसे शादी होने वाली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, स्वाति अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और बड़े नाजों से पली बड़ी है, इस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने भैया से वादा किया था हम सब मिलकर आपको बहुत खुश रखेंगे, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। माँ ने कहा, पाकी भैया की निशानी है, पर मेरे लिए आप और पाकी दोनों ही भैया की निशानी हो। मैं यही मानता हूँ कि भैया के जाने के बाद आप और पाकी दोनों मेरी जिम्मेवारी है। वादा करता हूँ आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मासीमा जैसी हो सकती है तो सासा भी तो कहीं ना कहीं पापा जैसा प्यार दे सकता है। आप शादी करे बिना भी यहाँ रह सकती है, ये आपका भी घर है, पर आपके माता पिता और मेरी माँ हम सब आपको रोज यूं टूटता हुआ नहीं देख सकते। आप यूं मायूस रहेगी तो पाकी का क्या होगा। मैं पाकी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। भैया की जगह तो नहीं ले पाऊंगा, पर उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आपका जो भी फैसला होगा मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे और सुप साप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। नीरज समझ रहा था कि स्वाति शादी के लिए तैयार नहीं है। बिना कुछ ज्यादा बोले कमरे से बाहर चला गया। नीरज ने नीचे जाकर स्वाति की माँ से कहा, आंटी जी ये कुछ भैया की जमा पूंजी है और ये कुछ बैंक के खाते हैं, ये सब कुछ पाकी और भाभी के काम आएगा, बाकी हमसे जो बन पाएगा हम जरूर मदद करेंगे। स्वाति की माँ ने कहा, बेटा हम भी मजबूर हैं, इतना प्यारा ससुराल मिला है मेरी बेटी को, उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, अभी तो वो दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। शायद वक्त रहते वह मान जाए, नहीं तो वो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। जितनी जल्दी आत्मनिर्भर बन जाए उतना अच्छा रहेगा। स्वाति सब कुछ सुन रही थी। उसने देखा कि पाकी कितने सुकून से नीरज की गोद में सोई है। सोच रही थी कि उसके पापा के बाद शायद सासा से बढ़कर प्यार और कोई ना कर पाएगा। पाकी की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। नीचे जा सुटके से उठाया और अपनी माँ से कहा, माँ मैं यही रहूंगी, मेरा और पाकी का यही घर है। कुछ समय बाद नीरज और स्वाति की शादी कर दी गई। कई बार हालात मजबूर कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या ठीक है और क्या गलत। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।